बहुत कुछ कर लेना मुमकिन था रामेन बेटा, मगर हम छोटी छोटी हकीकतों के असीर हो गए। अब शऊर की तमाम वजाहतें हो चुकी। काश काश हम एक दूसरे को माफ कर देते। बाबा जान, आप उम्मीद तो रखें कि ये सब कुछ फिर यकजा हो जाएगा। उम्मीद के कयाम की सूरतें हमेशा इजाफी होती हैं, इसीलिए हर इंसान हमेशा पुर उम्मीद भी रहता है और ना उम्मीद भी। जब रंग के अंदर रंग और परछाई के अंदर परछाई आ जाती है तो खुद को संभाल कर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो शख्स जिंदगी भर फरेब खाता रहा मुस्तकबिल के सहारे पर, उसे मुस्तकबिल कहां मिल सकता है? फिर भी एक बेहतर जिंदगी गुजारी जा सकती है। जिंदगी अब तुमने गुजारनी है। मैंने जो वक्त गुजारा वो अपने साथ लिए जा रहा हूं। सरदार, सूरज गुरूब होने को है, इस वक्त आप कहां जा रहे हैं? कसम है डूबते सूरज की असल लाशारी, हम सब खसारे की तरफ लौट जाने वाले हैं। जब तक हक को सब्र के साथ न पहचाना जाए, यकपस्तगी धूप के रंग को कच्चा कर देती है। रोशनी की टिमटिमाहट से अंधेरा ही फैलता है। हम सब थोड़ी रोशनियों के मारे हुए थे, इसलिए ज्यादा ही भटक गए। मुड़ी है, में से कुछ मेरे बुजुर्ग और कुछ मेरे भाई हैं, जो मेरे या मेरे भाइयों के हाथों मारे गए। जब कौमों पर जवाल आता है तो लोगों की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं, और वो इन्हीं पत्थरों से एक दूसरे को मारने लगते हैं। आप जो जा चुके हैं और हम जो जाने वाले हैं, सब इन्हीं पत्थरों के जख्म खुर्दा हैं। मैं इस सन्नाटे में अपने एतराफ की आवाज रोशन कर रहा हूं। मेरा वजूद शायद इस जमीन का हिस्सा न बन सके, लेकिन मुझे इसकी तारीख से अलग नहीं किया जा सकेगा। काश मेरी आवाज आइंदा नस्लों के लिए मशल की तरह जलती रहे। की ढाल के साथ बैठी हुई सेवी की सरजमीन तो कितने बहादुरों को खा गई। तेरी रेशम जैसी मिट्टी ने मुझे बहुत दुख दिए। मैं हमेशा इसी सोच में रहा कि हमारी नस्ल यहां एक खुशहाल जिंदगी का आगाज करेगी, लेकिन हम हालात का मुकाबला करने की बजाय आपस की जंगों का शिकार हो गए, जबकि जंग हालात के खिलाफ करनी चाहिए थी, ना कि आपस में। अगर हमने अपने मामलात में दूसरों को मदाखलत की दावत न दी होती तो शायद आज तू हम पर इस तरह अपना दामन तंग न कर लेती। जहां मुझे तुमसे तुम्हारी खामोशी का किला है, वहां मैं तुम पर एक मोहब्बत भरी बस्ती आबाद न कर सकने पर शर्मिंदा भी हूं। तुम पर दो भाई एक दूसरे के दुश्मन कहलाए। जो कुछ हुआ सब हमारे शऊर की नापुख्तगी थी। इस नस्ल की तबाही मेरी सोच नहीं थी, बल्कि इसकी बकाव मेरी आरजू थी। मैं एक नए अज़्म के साथ सूरज की तलाश में मशरिक की तरफ कूच कर रहा हूं। ऐसे भी
मैं तुम्हारी गोद में पलते हुए बच्चों को अब मोहब्बत भरे बोसे के सिवा कुछ नहीं दे सकता। ऐसी मोहब्बत जिसे वो आने वाली नस्लों में फैलाते रहे, मौत को कायम नहीं, वो कहीं भी आ सकती है। अगर जिंदा रहा तो तुम्हारी तरफ लौट आऊंगा। तू मेरी नस्ल के बच्चों को मेरा सलाम कहती रहना।